ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डन बेस्ड वीज़ा के नाम पर जो एक जुगाड़ एक धोखाबाजी हो रही है, ये इससे आप बच कर रहे हैं। विजिट वीज़ा पर जॉब फाइंड करने के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री वो जो अटेस्टेड डिग्री है, FSC BA मास्टर PhD बैचलर की अगर आपके पास डिग्री है, तो आप जनाबे वाला विजिट वीज़ा पर इधर आ जाएं, आकर जॉब फाइंड कर लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विजिट वीज़ा के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि 50-50 चांसेस हैं, सही है ना, आपका जो विजिट वीज़ा है 1 मंथ का भी ओपन है, 2 मंथ का भी ओपन है, 50-50 चांसेस हैं, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, सही है, ये बात क्लियर हो गई। बहुत सारे बंदे यहाँ पर डन बेस की बातें कर रहे हैं, डन बेस वीज़ा नाम की कोई शय नहीं होती, सही है, डन बेस वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो लोग विजिट वीज़ा को डन बेस का नाम दे रहे हैं, वो सरासर जो है ना वो धोखे में आ रहे हैं, और इसकी जो प्राइस भी ज़्यादा है। मेरी खुद एक बंदे से बात हुई, वो कह रहा था जी आम जो वीज़ा नॉर्मल विजिट वीज़ा वो तकरीबन 650-700 दिरहम के अंदर मिलता है, लेकिन जो डन बेस वीज़ा है वो 1600 दिरहम के अंदर है। बात समझ रहे हैं? कोई नहीं, बात यार समझ लिया करें, आपके लिए ही हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और आप ना जनाबे वाला वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आई। यानी आम वीज़ा जो है वो 700 दिरहम में आपको मिल रहा है, विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और जो दूसरा वीज़ा जिसको डन बेस का नाम दिया जा रहा है वो 1600 दिरहम में मिल रहा है। आम जो वीज़ा है अगर रिजेक्ट होता है इसकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल, आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो डन बेस वीज़ा है वो अगर लगता है तो आपके उतने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर नहीं लगता तो फिर पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डन बेस वीज़ा के नाम पर जो एक जुगाड़ एक धोखाबाजी हो रही है, ये इससे आप बच कर रहे हैं। विजिट वीज़ा पर जॉब फाइंड करने के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री वो जो अटेस्टेड डिग्री है, FSC BA मास्टर PhD बैचलर की अगर आपके पास डिग्री है, तो आप जनाबे वाला विजिट वीज़ा पर इधर आ जाएं, आकर जॉब फाइंड कर लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? यानी कि आपके पास डिग्री है तो आप इधर आ सकते हैं विजिट वीज़ा पर। बहुत सारे बंदे आए भी हैं, मेरा एक खुद सब्सक्राइबर कराची से वो बिलोंग करता है, इन दिनों के अंदर इधर आया है, और इसी तरह जो है ना फ्रीलांस वीज़ा भी जो है ना लग सकता है विजिट पर आकर, आप वो वीज़ा भी ले सकते हैं ऐसी सूरत के अंदर कि जिस बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं, जिस कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं, उसके पास कोटा है, कोटा होने की सूरत में जिस भी कंपनी में कोटा है तो डेफिनेटली आपका अनस्किल्ड वीज़ा भी लगेगा। बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि भाई वीज़ा रिजेक्शन की जो रीज़न है वो बताएं, वीज़ा रिजेक्ट होने की जो वजह है वो बताएं। याद रखें आपका वीज़ा इस सूरत में भी रिजेक्ट हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, यानी कि UAE किसी भी बंदे का सिक्योरिटी कंसर्न सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी विजिट वीज़ा उसका या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सिक्योरिटी रीज़न क्या है? सिक्योरिटी रीज़न ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो चेक किया जाता है, इसी तरह आपका जो ID कार्ड है वो चेक किया जाता है, और उसकी जो पिक्चर है वो चेक की जाती है। अगर आपकी शक्ल से आप क्रिमिनल शो हो रहे हैं, कोई फ्रॉडी शो हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर भी आपका विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो ये बात आप मेक श्योर करें, सही है ना। तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड जो वजह है वो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या जिसका वीज़ा आप जो भी आपकी कंपनी डाल रही है, आपकी नेशनलिटी के रिगार्डिंग यानी कि आपकी जो कंट्री के रिगार्डिंग कोटा का ना होना, क्योंकि एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है UAE ने, 40% इंडियन को कोटा दिया है, 40% कह रहा हूँ, 40% इंडियन, 20% पाकिस्तानी और 20% बांग्लादेशी, और 20% ओवरऑल द वर्ल्ड को एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है। तो आपने चेक कर लेना है कि अगर आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कोटा है तो ठीक है, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगेगा, अगर कोई डालता भी है तो नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, सही है। तीसरे नंबर पर जो रीज़न है रिजेक्ट होने की वो ये है कि आपकी जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर तो नहीं आ रहा, यही डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर का मतलब है कि UAE ने हर नेशनलिटी को अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया है कि हर बंदा हर नेशनलिटी का बंदा इधर आए हर कंपनी में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप मेक श्योर करें, इनको क्लियर करें
ये बहुत बड़ी वजूहात हैं आपके वीज़ा के रिजेक्ट होने की, यानी सिक्योरिटी रीज़न, कोटा का ना होना, मिक्स नेशनलिटी के लोगों का ना होना। ये चंद एक वजूहात मैंने बताई हैं वीज़ा के रिजेक्ट होने की। इसी तरह अगर कहा जाए कि अनस्किल्ड वीज़ा जो है ना, 100 में से अगर चंद वीज़े लग रहे हैं, 2-3-4 यकीनन लग रहे हैं, वो भी जिन कंपनियों का कोटा क्लियर है या डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर को वो मेंटेन कर रही हैं। अभी कल के कमेंट में एक बंदा कह रहा था वीडियो के कमेंट में कि भाई मेरा वीज़ा लगा है, तो भाई उसका कैसे लग गया, अनस्किल्ड में वीज़ा लगा है। तो ये सारी डिटेल है। उम्मीद है आज को वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।